नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं सुपरस्टार ऋतिक रोशन सर की फिल्म बैंग बैंग के 3 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ कंपेयर करेंगे सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम रिटर्न के 3 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। उसके अलावा हम बात करेंगे रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा के 3 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे कि इन तीनों फिल्मों में से किस फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिन यानी पहले वीकेंड में सबसे ज़्यादा कमाई की थी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें सिम्बा के 3 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को रिलीज किया गया है लगभग 4080 स्क्रीन में। इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए 21 करोड़ रुपए, वही दूसरे दिन सिम्बा का कलेक्शन था 24 करोड़ रुपए। वही बात करें अगर सिम्बा के थर्ड डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों तीसरे दिन इस फिल्म को काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और काफी बढ़िया ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। मतलब इस फिल्म का जो तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 28 करोड़ के आसपास रह सकता है। इसी के साथ दोस्तों जो सिम्बा का 3 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो होता है 73 करोड़ यानी 73 करोड़ रुपए। वही दूसरी तरफ अगर बात करें सुपरस्टार ऋतिक रोशन सर की भरपूर एक्शन से भरपूर फिल्म बैंग बैंग के 3 दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों ये फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में और इस फिल्म को रिलीज किया गया था लगभग 3000 स्क्रीन में। इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे लगभग 27 करोड़ रुपए, वही दूसरे दिन बैंग बैंग ने कमाए थे लगभग 24 करोड़ रुपए, तीसरे दिन की कमाई थी बैंग बैंग के लगभग 20 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों जो ऋतिक रोशन सर की फिल्म बैंग बैंग का 3 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यानी वीकेंड कलेक्शन था वो था 71 करोड़ यानी 71 करोड़ रुपए। वही दोस्तों दूसरी तरफ बात करें सुपरस्टार अजय देवगन सर की मसाला मिक्स एक्शन को फिल्म सिंघम रिटर्न के बारे में, तो दोस्तों ये 2010 की आई फिल्म सिंघम का सिक्वल था और ये फिल्म सिंघम रिटर्न रिलीज हुई थी 2014 में ही, और इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 32 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग ली थी। जी हाँ दोस्तों, सिंघम रिटर्न ने अपने पहले दिन कमाए थे लगभग 32 करोड़ रुपए, वही दूसरे दिन इस फिल्म की कमाई थी लगभग 21 करोड़ रुपए। वही बात करें तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन यानी संडे को सिंघम रिटर्न ने कमाए थे लगभग 24 करोड़ रुपए। इसके साथ दोस्तों जो सिंघम रिटर्न का 3 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो हुआ था 77 करोड़ यानी 77 करोड़। तो दोस्तों एक तरीके से देखे जाए तो कहीं ना कहीं अजय देवगन की फिल्म सिंघम रिटर्न सिम्बा और बैंग बैंग से ज़्यादा कमाई करने में कामयाब रही थी। वही दूसरे नंबर पर थी सिम्बा और तीसरे नंबर पर है ऋतिक रोशन सर की बैंग बैंग। लेकिन दोस्तों आपको बता दें बैंग बैंग कम स्क्रीन में रिलीज हुई थी और साथ ही साथ इस फिल्म की रिलीज डेट थी 2014। तो एक तरीके से देखे जाए तो 3 दिन के जो कलेक्शन है फिल्मों के वो तीनों फिल्मों के एक तरह से इक्वली है, लेकिन अभी के फिगर आउट करें तो 77 करोड़ यानी सिंघम रिटर्न सबसे आगे है। जैसे दोस्तों आपको सिंघम रिटर्न, सिम्बा और बैंग बैंग में कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।